किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, एक हमारे किसान हैं खालिद मुगल माजरा के रहने वाले हैं, जो सहारनपुर में है और नींबू की खेती करते हैं। किसान साथियों, खालिद भाई बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच वैज्ञानिक है बिल्कुल। वो अपने बाग में पेड़ों पर, अपने पौधों पर कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। आपको याद होगा, ये जो सीरीज मैंने बनाई है एक किसान ऐसा भी, ये उन्हीं के कार्य से प्रेरित होकर बनाई है। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो भेजी। जब मैंने इस वीडियो का नावेद जी से डिस्कस किया, उनसे मंत्रणा की, तो उन्होंने कहा कि त्यागी जी, इसे आप थोड़ा एडिट करिए और इसमें ये चीज़ें ऐड कर इसको बताइए, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है और इस इलाज को मैंने भी किया है। परंतु मैं इतना आश्वस्त नहीं था कि क्या ये इलाज इतना कारगर हो सकता है। किसान साथियों, क्या है ये जड़ गलन और तना गलन रोग, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसका एक ऐसा इलाज बताऊंगा जो बहुत ही साधारण है, सस्ता है और इसे आसानी से आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि आपको पौधों का ध्यान रखना है। अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए देखते हैं। किसान साथियों, इस पौधे को देखिए, ये पौधा पीला है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ पर फंगस के कारण आपकी जो छाल है, सबसे पहले जड़ों की छाल गलती है, उसके बाद पौधे में भोजन ऊपर पहुँचना लगभग बंद हो जाता है और पौधा ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे तो सारे के सारे पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ते हैं, आप देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार पीले पड़ते हैं, और फिर पत्ते मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ और धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं और लगभग 15 दिन में पूरा पेड़ आपका ख़त्म हो जाता है। और एक बार पेड़ सूख गया तो आपके पास वहाँ पर दूसरा पेड़ लगाने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। किसान साथियों, पहले हम ये देखते हैं कि खालिद भाई ने इसमें क्या बताया। सर नमस्कार, मैं ये जो फंगस की हमारे ग्रुप में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च करी, 3 महीने हो गए मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे 8 पेड़ में ये प्रॉब्लम आई थी सर। तो मैंने 2 पेड़ तो मेरे सूख चुके थे, ये देखें मेरे 2 पेड़ सूख चुके, एक पेड़ ये हो रहा है। सर ये प्रॉब्लम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई महीने से स्टार्टिंग होती है इसकी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पेड़ हैं इनका रंग पीला होने लगता है, और हम ये अपने अगर हमारे पास 400-500 प्लांट है उनमें समझ नहीं पाते, क्योंकि इनमें फंगस की बीमारी होती है उसका पता नहीं लगता, और ये जब इनकी बिल्कुल तना गल जाता है तो ये एकदम से सूख जाते हैं, 2-3 दिन में ही सूख जाते हैं, और जिस पेड़ में ये प्रॉब्लम होगी वो ऐसे जड़ से हिलने लगेगा, क्योंकि उसके मिट्टी, उसका सुकड़नपन जो है पौधे की, वो मिट्टी को छोड़ देती है और वो ऑटोमेटिक ही हिलने लगता है। जब खालिद भाई के 2 पेड़ सूख चुके तो उन्होंने 3रे पेड़ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। दवाई लगाने के बाद जब उन्होंने मिट्टी लगाई और उसकी मल्चिंग की तो एक पेड़ में उन्होंने पानी नहीं दिया और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे, लगभग 1 लीटर प्रति पेड़ प्रतिदिन। कुछ दिन बाद जिस पेड़ में पानी नहीं दिया था, इन्होंने देखा कि उसमें जो जड़ निकली थी वह जड़ पानी न मिलने के कारण जब नीचे की जड़ सूख गई तो वह जड़ भी सूख गई थी। खालिद भाई अपने 2रे पेड़ों में बराबर पानी देते रहे, लेकिन इस पेड़ में उन्होंने जानबूझकर पानी नहीं दिया, इसी कारण जो नई जड़ निकली वह भी सूख गई थी। जो ये शेष पेड़ हैं इनमें ये बराबर पानी देते रहे, वैसे पिछले कुछ दिनों में
बारिश हो गई थी जिससे पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे इनमें नमी बनी रही और पेड़ धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगे। दवाई देने के कुछ दिन बाद एक दो प्लांट में देखने पर पता चला कि उनमें जड़ें चल पड़ी हैं और अच्छी तरह चल रही हैं और पौधा अपना रंग बदलने लगा है। सबसे पहले वो उस पौधे को, उसकी मिट्टी को हटाते हैं। नीचे से जड़ें दिखने लगे तो आप ये देखिए कि इसकी जड़ गल चुकी है और सिर्फ अगर जड़ की खाल हटा दें तो हमें तना दिखाई दे रहा है। अब इसमें लगभग 15 से 20 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है और जैसे खालिद भाई लगा रहे हैं थोड़ा जहां पर अफेक्टेड जो रोगग्रस्त भाग है उस पर चिपका देना है हाथ से और बाकी को उसके आसपास हमें छिड़क देना है। उसको छिड़कने के बाद आप इसकी मिट्टी को उसके ऊपर कर दीजिए और फिर उसी तरह मल्चिंग कर छोड़ दीजिए। किसान साथियों, 90% से ज़्यादा उम्मीद है आपका पौधा ठीक हो जाएगा, अगर वो सूखना शुरू नहीं हुआ तो। अगर सूख गया फिर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ये इलाज उस अवस्था में करना है कि आपने इसकी पहचान कर ली कि हाँ मेरा पौधा पीला पड़ गया, पत्तियाँ मुड़ने लगी हैं, और उसी टाइम इसका आप इलाज कर। कोई भी कार्य होता है उसमें आपको 100% सफलता बहुत मुश्किल मिलती है, तो घबराइए मत। अगर 5% तक पौधे खराब हो जाते हैं, कोशिश करिए, बचाने की कोशिश करिए और उनका इलाज करिए। अब मैं ये बताता हूँ कि आप इस बीमारी से बचें किस प्रकार। साथियों, नींबू में एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि तने के पास पानी न जाए। आप नोट कर लीजिए, जो पानी देंगे वो इसके तने को छूना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसकी जड़ों के पास पानी रुकना नहीं चाहिए। तीसरी बात, जहाँ तक हो सके आप ड्रिप से पानी दीजिए। चौथी बात, आपको ड्रिप तने से कम 1 फुट दूर रखनी है। जब पौधा बड़ा होगा तो ड्रिप को आप रिंग के आकार में बनाइए, तने से 1 फुट दूर रखिए। ड्रिप से पानी बूंद बूंद कर सीधा ज़मीन में जाता है और नमी उसके पास पहुँचती है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जिन किसानों के पास ड्रिप नहीं है वो नींबू की खेती न करें? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस प्रकार रखना है कि आप थोड़ा तने के पास मिट्टी चढ़ा दीजिए और पानी इस तरह से दीजिए, जब आप नाली से पानी दे रहे हैं जिसे हम फ्लड विधि बोलते हैं, तो आपको इस प्रकार देना है कि पानी की नमी तने के पास पहुँचे, पानी न पहुँचे, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले 1 साल में ये रोग सबसे अधिक आता है, और ये रोग अगर 2 साल तक आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका बहुत कुछ पौधे ठीक हो जाएंगे। तो पहले 2 साल नींबू के पौधे पालना आपके अपने बच्चे पालने की तरह होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पानी की उचित व्यवस्था रखिए। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि इस अवस्था में आपको जहाँ पर नमी ज़्यादा है आपको रेजिंग बेड पर पौधे लगाने चाहिए या थोड़ी ऊंचाई पर लगाएं। अगर किसी कारण से बारिश ज़्यादा हो गई या पानी भर गया तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर आपका पानी तने के पास नहीं पहुँचेगा। आपके पास ड्रिप नहीं है तो रेजिंग बेड पर आप लगाइए, थोड़ा ऊंचाई पर लगाइए और नाली में पानी छोड़िए, और पानी ऐसी जगह तक छोड़िए कि वहाँ तक बस धीरे से कुछ देर बाद नमी, जब थोड़ा पानी भरा रहेगा नाली में तो वहाँ तक नमी पहुँचेगी और आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ड्रिप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो किसान साथियों, ये वीडियो भेजी थी हमें खालिद भाई ने। खालिद भाई, फिर मैं बताता हूँ, मुगल माजरा के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे करते हैं। उन्होंने मुझे अपने पौधों पर फूल किस प्रकार लगे थे और अब फल कैसे लग रहे हैं उसके भी कुछ फ़ोटो हैं। आप देखिए कितने अच्छे इनके पास 1 साल के पौधे पर इन्होंने कैसा अच्छा प्रबंधन किया है कि इस पर फल आ रहे हैं। किसान साथियों, मैं इनसे मजाक करता हूँ,
कि आप तो एक वैज्ञानिक हैं, और यही सोच आदमी को वैज्ञानिक बनाती है। जब आपके पास समस्या आए तो सोचिए, परेशान मत होइए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उन्होंने देखा, जड़ निकाली, जड़ निकालकर उसको देखा, जड़ गल गई है, और उन्हें पता था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत अच्छा फंगस विरोधी कारक का काम करता है, और उन्होंने उसको डाला और उन्हें उससे सफलता मिली। और ये भी देखिए, उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद जो नीचे जड़ गल गई वो तो ख़राब हो जाएंगी, लेकिन जहाँ तक बची हुई है वहाँ से एक दूसरी जड़ें निकलती हैं, और ये समझिए कि ये पौधा अब गुट्टी वाला बन गया। वहाँ से जड़ें निकलेंगी, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, दोबारा से जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और चिंता की कोई बात नहीं है। अंत में मैं फिर एक बार कहूँगा कि पहले 2 वर्ष तक आपको अपने बाग में सप्ताह में 2 बार अवश्य जाना है, पौधों को देखते रहना है। किसान साथियों, एक मेरी विनती है आप लोगों से, मुझे बहुत लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, हाय, मैं आपकी हाय का क्या करूं, नमस्ते मैं क्या करूं, प्रणाम मैं क्या करूं। अगर इस तरह से आप मेरा समय बर्बाद ना करें। किसान साथियों, मेरी अपनी कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, और मैं आप तक बातें पहुंचाने में ज़्यादा इच्छुक हूं, मुझे बात करने का बिल्कुल भी ज़्यादा शौक नहीं है। अगर आपकी कोई समस्या हो तो मेरा निवेदन है, आप व्हाट्सएप पर पूरी समस्या लिखें। ये नहीं हो कि मेरे से आप बात कर कर और 10 मिनट बाद मुझे ये पता चल रहा है कि आप अभी बाग लगाने की सोच रहे हैं। जो भी आपकी समस्या है व्हाट्सएप पर लिखकर पूरी छोड़ दीजिए। अगर मुझे लगा कि हाँ आपने सही सवाल पूछा है और एक बार में पूरी सूचना दे दिए, मैं आपको फ़ोन अवश्य करूँगा या मैं उसका उत्तर दूँगा, अन्यथा मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर दूँगा। किसान साथियों, रोज़ सुबह उठकर मैं देखता ऐसा हूँ कि कोई अच्छा किसान, ऐसा ना हो कि किसी अच्छे किसान का नुकसान हो जाए। आपके पास समय है, आप कहीं भी और व्यतीत करिए, आपके पास बहुत फालतू समय है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है। मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे सुप्रभात, ये ज्ञान वाले जो आप मैसेज भेजते हैं, कृपया न भेजें, मुझे हाय न लिखें। ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जितने उत्तर भारत के किसान हैं ये केवल हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ और हिंदी में ही उन्हें समझाता हूँ। अगर आप लिख रहे हैं तो गूगल इंडिक फॉन्ट डाउनलोड करिए, देवनागरी लिपि में हिंदी में ही लिखिए तो मैं जवाब दूंगा। इंग्लिश में देंगे मैं आपको, अगर अब मेरे को मिला तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये मेरी विनती है आपसे। इसी के साथ खुश रहिए, विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।